नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक सप्ताह के लिए महिला फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश टांडा ने इस फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया। मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश टांडा ने कहा कि महिला हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और महिलाओं को मजबूत करने के लिए जितने भी सार्थक कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी उतने कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया है और महिलाओं को मान सम्मान देने का काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला स्तर पर महिला थाने बनाने का काम किया है ताकि महिलाएँ अपनी बात आसानी से कह सकें और उन्हें न्याय और सुरक्षा मिल सके। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारी सरकार महिलाओं के लिए जो भी कर सकती है वह अधिक से अधिक करने का काम करेगी, उन्हें मान सम्मान शिक्षा और स्वास्थ्य देने का काम करेंगे। राज्य मंत्री कमलेश टांडा ने कहा कि सबसे पहले वह जिला प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया। आंगनवाड़ी केंद्रों की खस्ता हालत पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुझे अभी इसको ज्वाइन किए हुए मात्र 15 दिन ही हुए हैं और मैंने अभी इतना पूरी तरह से आकलन नहीं किया है, मेरे पास इसका पूरा डाटा नहीं है, परंतु कई आंगनवाड़ियों में काफ़ी कमियां हैं। इस जो भी वहां कमी पाई जाएगी उनको पूरा करने का काम किया जाएगा। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास खबर। एसपी कैप्टन मैडम कमल बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत जिला कैथल में महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करने के लिए 7 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया, शौचालय में किया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन महिलाओं को एवं लड़कियों को शिक्षा रोजगार पर प्रोत्साहित करने वाली फिल्में जैसे कि दंगल निर्जा आदि की दिखाया जाएगा। यह प्रशासन द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण प्रयास साबित होगा क्योंकि इस प्रकार के आयोजनों से जनता को प्रेरणा एवं जागरूक किया जा सकता है। मैं जिला प्रशासन को बधाई दूंगी कि आपने इस प्रकार का महत्वपूर्ण आयोजन किया एवं मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, आपका धन्यवाद। मुझे आशा है कि आने वाले समय में भी इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे और बेटियों को आगे लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मैं इसी विभाग की मंत्री भी हूँ तो हरियाणा सरकार की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा और मैं यहाँ पर आई हुई मेरी माता और बहनों का धन्यवाद करती हूँ और उन्होंने कहना है जो भी क्षेत्र है उसमें आगे हमारी बेटियाँ बढ़ रही हैं। तो मैं आपसे आह्वान करना चाहूँगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को आगे बढ़ाने का काम करें, उनको शिक्षा दिलाने का काम करें, उन्हें कामयाब बनाने का काम करें। तो आप इतनी भारी संख्या में मेरी माताएं बहनें यहाँ पहुँची, मैं आप सभी का तहे दिल से यहाँ पर पहुँचने पर आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और मैं भी तो फिल्म मैडम किसी ने मेरे को कल ही परसों ये बोला था, मैडम एक प्रोग्राम है महिलाओं का, मैं उस टाइम चंडीगढ़ थी तो हमारा सेशन था परसों, तो मैंने कहा मैडम आप तो मेरा सेशन है तो मैं आप जब कहो तो कहने किसी एक दिन का टाइम आपने जरूर निकालना है, तो कल भी जरूरी काम था तो आज मैडम ने बोला था तो मैं आपके बीच में पहुंची और मैं आपके बीच में बैठकर आपके साथ थोड़ी देर कि मैडम डीसी और सारे प्रशासन का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि एक इतनी अच्छी पहल आज हमारे जिला कैथल से शुरुआत की है। मैडम पूरे अगर जिले की या हरियाणा की बात करें तो देखिए जैसे आपने कहा आंगनवाड़ी केंद्र हैं जो अभी मुझे सारा 10-12 दिन ही से उस में आए हुए हुआ है, अभी मुझे पूरा इतना इसका डाटा नहीं लिया है, मुझे जानकारी भी मिली है कुछ कई जगह कई केंद्रों पर बड़ी खामियां हैं तो वहां मैं जाकर विजिट भी करूंगी और देखूंगी जो कमियां होंगी उसको पूरा करने का काम करेंगे। और हमारा आंगनवाड़ी केंद्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है जो अपने घर की तरह उसको बना के रखना है तो वहाँ देखेंगे और देखिए महिलाएं हमारा एक देश और प्रदेश का महत्वपूर्ण हिस्सा है तो उनको मजबूत करने के लिए जितने भी
कदम होंगे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर आगे हमारी बेटियों को बढ़ाने का काम किया और महिलाओं को भी मान सम्मान देने का काम किया। हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने डिस्ट्रिक्ट वाइज महिला थाना खोल के सुरक्षा देने का काम किया। और भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सरकार महिलाओं के बारे में आगे जितनी भी कमियाँ उनको पूरा करेगी और उनको मान सम्मान देने का सुरक्षा देने का काम करेगी। धन्यवाद। यहाँ मौजूद हमारे बीच माननीय मंत्री महोदया श्रीमती कमलेश धाना मैडम का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे जिला प्रशासन की ओर से हमने उन्हें आमंत्रित किया और मैडम ने हमारा ये आमंत्रण एक जो हमारा है कि बेटी काबिल नहीं है जितने की लड़के काबिल हैं उसको छोड़ते हुए उसको तोड़ते हुए उन्होंने बेटियों को जन्म दिया है। ये अपने आप में मेरे सामने बैठी हुई सभी महिलाओं की बहुत बड़ी उपलब्धि है और हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बेटियां हरियाणा में आए और यहाँ पे विकास करें। इसी लक्ष्य समय में कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां पे कि महिलाओं ने अपनी सफलता का परचम नहीं फैलाया है। चाहे वो एयर होस्टेस बनके नीजा मूवी में किस प्रकार वो अनेकों लोगों की जान बचाती है और चाहे दंगल मूवी में किस प्रकार से एक रूढ़िवादी परिवार से होते हुए भी वो लड़कियां आगे बढ़ती हैं और पूरे देश का नाम रोशन करती हैं। चलते इंडिया के माध्यम से किस प्रकार महिलाएं हॉकी में अपने देश का नाम रोशन करती हैं और इसी प्रकार ऐसा है कि कैथल में हम हरियाणा में ही पहली बार कैथल में महिला फिल्म उत्सव मनाया जा रहा है। ये पूरा वीक चलेगा, कल आज 28 तारीख से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलेगा। इसमें हम महिलाओं को 7 तरह की मूवीज़ दिखाएंगे जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो और महिलाओं की स्थिति समाज में सुधार ला सके। और ये 7 मूवीज़ हमने जो ये लिखी हुई हैं ये 7 मूवी हर रोज़ एक मूवी दिखाई जाएगी और उन महिलाओं को दिखाने की कोशिश की जाएगी जिनकी 2 बेटियां हैं या बेटियां ही बेटियां हैं, ताकि उनको भी पता लगे कि बेटियां बेटों से कम नहीं है, बेटियों की भी समाज में उतनी इम्पोर्टेंस है जितनी की बेटों की और समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारा जा सके, सेक्स रेशो को सुधारा जा सके और कैथल को नंबर 1 किया जा सके। ये मुहिम हमारी DC मैडम की गाइडेंस से हम कर रहे हैं और उन्होंने ही हमें गाइडेंस दी है कि एक वीक पूरा महिलाओं को मूवी दिखाई जाए और महिला फिल्म उत्सव मनाया जाए, जिसका उद्घाटन जी महिला एवं बाल विकास विभाग की आज मैडम श्रीमती कमलेश ढांडा जी करेंगी। फिल्म वही दिखा रहे हैं जिसमें बेटियों को बेटियां जो है हर एक क्षेत्र में आगे, जैसे दंगल फिल्म में कैसी बेटियां होते हुए भी वो कितने मुकाम तक पहुंच गई है, ऐसे दंगल है, मैरी कॉम है, इंग्लिश विंग्लिश में, इन सब फिल्मों में यही दिखा रहे हैं कि बेटियां किसी से कम नहीं है। हम महिलाओं को हमारी कैथलवासी महिलाओं को हरियाणावासी महिलाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि बेटियां आज किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, फौज में हो, पुलिस में हो, किसी भी क्षेत्र में हमारी जो बेटियां कम नहीं है। तो बेटियां होने पर महिलाएं निराश ना होए बल्कि उनका भी वैसे ही स्वागत करें जैसे हम एक बेटा आने पर करते हैं।